हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम फोर्सेस के बारे में। हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या थे। अगर किसी पॉइंट पर लगने वाले सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम ले लें और वो किसके बराबर हो जाए, जीरो, या फिर एक पॉइंट पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो है, तो हम क्या कहते थे कि फोर्सेस हैं वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, या फिर वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैं। और उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहते थे तो हम कैसे लिख सकते थे, F1 plus F2 plus F3 and up to so on Fn, इन सभी का सम जो होता था वो कितना होता था, जीरो होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास कुछ चीजें कनेक्टेड हो, आपस में चीजें कनेक्टेड हो, तो उस टाइम पे किस तरह से आप मोशन को कहेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड मोशन इस टाइम पे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो पुली सभी ने देखी होगी, ऐसे गोल व्हील जैसा होता है, ठीक है, उससे रस्सी कनेक्टेड होती है और इस पर चीजों को जब रस्सी से इधर, सिंपल, सबसे सिंपल पुली तो आप लोगों ने कुएं पर देखी होगी, एक साइड से खींचते हैं, दूसरी साइड पे बाल्टी कुएं में डाल देते हैं। आई होप मूवीज में तो देखी हो, अगर इन रियल लाइफ आप लोगों ने ना देखी हो तो हमने रियल लाइफ भी देख रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड में जैसे बाल्टी बांध के रखते हैं, दूसरी साइड से खींचते हैं, तो वहां पर भी फोर्स को ही देखते हैं कि जितना फोर्स होगा। कहते हैं ना, बच्चे से बाल्टी नहीं खींचेगी, बच्चे से बाल्टी क्यों नहीं खींचेगी पानी की भरी हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा उतना फोर्स नहीं लगा सकता। वो मोशन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चा फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर जो बाल्टी जो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स दोनों का एवरेज निकाल कर वो बता पा रहे हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, बट फिर भी रियल लाइफ में अपने फिजिक्स को फॉलो अप करते थे। अब देखो, यहां पर मैं मान लूं कि मेरे पास एक वेट है, ठीक है, 6 किलोग्राम, यहां पर एक और पुली है, यहां पर एक वेट है 3 किलोग्राम, यहां पर वेट है 5 किलोग्राम, ठीक है, ओके, ये है पुली और इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर नीचे खींच रहा है और इसमें ये मास ऊपर जा रहा है और ये इधर नीचे जा रहा है। ठीक है, कंबाइनली ये पुली कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है पुली, और इस पुली में भी ये मास नीचे जा रहा है, ये मास ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, आप सिंपल एक स्प्रिंग का एग्जांपल लो, स्प्रिंग सभी ने देखी है कैसी होती है। अगर आपने स्प्रिंग को एक छत से लटका दिया, ठीक है, यहां पर लटका दिया, ये स्प्रिंग आपकी लटकी हुई है, अब ये जो स्प्रिंग है इस पर आपने कोई वजन लटका दिया, ठीक है, स्प्रिंग ऐसे थी ना, ऐसे थी, जैसे आपने वजन लटकाया तो क्या सिर्फ यही खुलकर अलग हो जाता है या ये सारी ऐसे हो जाती हैं? मतलब स्प्रिंग कुछ कनेक्टेड है, स्प्रिंग के सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है और वो किससे कनेक्टेड है, इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस से कनेक्टेड है, मतलब उनके अंदर वाले जो भी फोर्सेज है उनसे वो क्या है, कनेक्टेड है। अब जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाया तो यहां इसने किस पर फोर्स लगाया, इस पर, ठीक है, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा। अगर इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हर जगह पर यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म खुलेगी, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये नीचे वाला ही टूट के गिर जाएगा, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि सारे इक्वल इक्वल खुल रहे हैं, इसका मतलब, और ये जो इंटरनल फोर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। ठीक है, टेंशन कौन सा फोर्स होता है जो अंदर जनरेट होती है, उसको कहते हो ना टेंशन, तो टेंशन फोर्स भी यही होता है जो अंदर फोर्सेस जनरेट हुए हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट हुआ है वो क्या है हमारे पास, टेंशन फोर्स। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर जो फोर्स है वो है हमारे पास टेंशन फोर्स। क्लियर है, तो टेंशन फोर्स क्या होता है, स्ट्रिंग में लगता है, ओके, स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म होगा और इसको अपवर्ड साइड में खींचने की कोशिश करेगा, तो यहां पर ये स्ट्रिंग इसको अपवर्ड खींच रही है, ये इसको इधर की साइड तो डाउनवर्ड खींच रही है, लेकिन ये इस पूरी पुली को इसको भी किधर खींचने की कोशिश करेगी, अपवर्ड खींचेगी। ठीक है, इसको ये अपवर्ड खींच रही है, इधर से स्ट्रिंग जो टेंशन है वो इस फोर्स को
अपवर्ड खींच रहा है, जो टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स इसको क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, और हर एक पॉइंट पर टेंशन फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन यूनिफॉर्म रहेगा, टेंशन फोर्स क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर होना चाहिए यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि टेंशन फोर्स क्या होता है, क्या होता है भाई टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स होता है जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन की वजह से, इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो इफेक्ट दिखा पा रही है बॉडी इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से, वो क्या है, टेंशन फोर्स है आपके पास, ठीक है। अब देखो भाई स्प्रिंग वाले केस से आई थिंक इजिली अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम बात कर लेते कनेक्टेड मोशन की, ठीक है। और कनेक्टेड मोशन में हम सबसे पहले पुली की बात करते हैं, ओके। तो देखो ये हमारे पास पुली हो गई, ये मैंने मान लिया M1 मास का ऑब्जेक्ट है, यहां पर M1 इधर है, M2 मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, M2। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे किस फोर्स से जाएगा, अर्थ से नीचे किस फोर्स से खींचेगी, M2G, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे किस फोर्स से खींचेगी, M1G, ठीक है, हो गया। नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, टेंशन क्या होगी इसमें, T, यहां पर भी टेंशन क्या होगी, T, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया ये एक ही स्ट्रिंग है, और एक ही स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर जो T होता है, टेंशन फोर्स होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। अब हमने केस लिया M2 greater than M1, ठीक है, M2 क्या है, M1 से बड़ा है। अब जब M2 M1 से बड़ा है तो ये नेट नीचे की तरफ जाएगा, और नेट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, A एक्सेलरेशन हमने मान लिया है, ठीक है। नेट नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन मान लिया है हमने, A एक्सेलरेशन मान लिया है। तो हमें क्या लिखनी है, अब इसमें मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूँ और टेंशन निकालना चाहती हूँ कि कितना होगा। तो इस तरह की जो भी आपके पास सिचुएशन बन जाए कि एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लोग क्या बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, क्या बनाते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के लिए आप क्या करो, किसी भी एज पर सर्कल लगा लो, ठीक है, जैसे इस पर सर्कल लगा लिया, अब इसको यहां पर बनाओ, अब देखो इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक किधर है, एम वन जी, दूसरा किधर है, टी, नेट जो मोशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, और किस एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो ये नेट इफेक्ट आ गया, टी ये लग रहा है, और एम वन जी कहां पर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये क्या हो गया, एम वन बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अगर इसी तरह आपको एम टू के लिए बनाना हो तो एम टू के लिए भी बना देंगे, मतलब आप इस तरह से, ये नहीं है कि इसको सर्कल बना के छोड़ देना, ठीक है, वो है कि हाँ आपको इसके लिए बनाना है ना, तो इसको देख लो ना इधर से, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एक अलग से आप सेपरेट फोर्स बना दोगे, सेपरेट डायग्राम बना लोगे, तो आपकी कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। आप देखो इसके लिए इक्वेशन लिखो, नेट मोशन की तरह है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने टी लिख लिया, टी कहां पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने टी को अगर मैं मान लू पॉजिटिव ले लू, ठीक है, तो माइनस डाउनवर्ड में कौन जा रहा है, एम वन जी, और ये किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, ठीक है। नेट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, और फोर्स हम कैसे निकालते हैं, फोर्स हमें पता है कैसे निकलता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो यहां से हो जाएगा टी माइनस एम वन जी बराबर एम इनटू में ए, ठीक है। टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, एम वन जी जिस वेट से, जो बॉडी का वेट है जिसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, ओके। तो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। इसी तरह अगर सेकेंड बॉडी के लिए बनाना चाहे तो सेकेंड बॉडी के लिए देखो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये है बिल्कुल बेसिक में, जब आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे, बाद में तो आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। टी ऊपर की तरफ और नेट किधर है, नीचे की तरफ।
तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो बॉडी टू के लिए। तो नेट कहां पर है? नीचे की तरफ है ना, तो नीचे वाली डायरेक्शन को अबकी बार मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो इसका मतलब एम टू जी बड़ा है और टी क्या है? छोटा है, तभी तो नीचे की तरफ जा रही है। एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट पर, दूसरा बच्चा है वो 10 न्यूटन लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा? खींच रहे हैं, और उसको दोनों खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? जो 10 न्यूटन से खींच रहा है उसकी तरफ मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एम टू जी क्या हो जाएगा? यहां पर बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करें, एम टू जी माइनस में टी बराबर एम ए। ये आपके पास क्या आ गई, यहां पर एम वन ए और यहां पर एम टू ए। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहती हूं यहां से, तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, एड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एड वन एंड टू, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोनों का आप एड कर दो, एड करने पर क्या आ जाएगा, एम टू जी माइनस एम वन जी बराबर एम टू ए प्लस एम वन ए, ठीक है। जब जिसको ये लग रहा हो कि मैडम ने ये कैसे लिख दिया, तो उसके लिए मैं अच्छे से करके दिखा देती हूँ। लोग टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी बराबर एम वन ए प्लस एम टू ए, ठीक है। यहां पर टी से टी कैंसिल हो गया है, ये एम वन माइनस का था इसलिए मैंने इसको पीछे लिख लिया है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। जी एम टू माइनस एम वन, यहां पर क्या आ गया, ए और यहां पर एम वन प्लस में एम टू, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, आ जाएगी यहां से एम टू माइनस एम वन अपॉन एम टू प्लस एम वन और इनटू में जी। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी, ठीक है। और ध्यान रहे भाई, सीधा सिंपल क्या है, ग्रेटर मास मैंने किसका माना है, एम टू का। तो सीधा सिंपली अगर आप याद करना चाहो और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स का केस आ जाए पुली के केस में, तो सिंपल आप इसी तरह से निकाल देना उसको, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर देना एक बार तो, और उसको डिवाइड कर देना किससे, दोनों के सम से। अब बताओ मुझे ए बड़ा है या जी बड़ा है? तो यहां पर ए हमेशा क्या होगा, जी से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जी छोटे फैक्टर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब जी को किसी छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो यहां पर तो एम टू माइनस एम वन क्या आ जाता है, वन, और एम टू प्लस एम वन कितना आ जाता है, थ्री, तो वन बाय थ्री जी हो गया ना। हमेशा ये फैक्टर क्या आएगा, वन से छोटा ही आएगा। और अगर आपने इसको वन से छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स ए क्या है, बड़ा है देन जी, ठीक है। तो आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो कैसे कैलकुलेट करूंगी बताओ, बोलो भाई, डिवाइड कर दो दोनों को, एक्सेलरेशन चला जाएगा, एम वन अपॉन में एम टू बराबर टी माइनस एम वन जी अपॉन में एम टू जी माइनस में टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई टी एम वन माइनस, क्या कर रही हूं मैं, है ना, टी एम टू माइनस एम वन एम टू जी बराबर एम वन एम टू जी माइनस टी एम वन। टी वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, टी एम टू प्लस टी एम वन बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा टू एम वन एम टू इंटू में जी। टी को कॉमन ले लेंगे, एम वन प्लस एम टू बराबर टू एम वन एम टू जी, और ये क्या हो जाएगा, टी किसके बराबर आ जाएगा, 2m1 m2 over m1 plus m2 into में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने मिटा दिया, बट आई थिंक याद तो होगा ही सभी बच्चों को।
नेक्स्ट एक तो केस हो गया पुली का, दूसरा अगर आपको पुली पर चीजों को कनेक्ट ना करके सीधा स्ट्रिंग से कनेक्टेड चीजें दे दे, जैसे रेल के डब्बे किस तरह से कनेक्ट होते हैं, क्या किसी पुली पर कनेक्ट होते हैं? नहीं ना, लेकिन कनेक्ट तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, कोई मना नहीं कर सकता कि रेल के डब्बे कनेक्ट नहीं होते, या फिर कोई है मना करने वाला? ऐसे हवा हवा में चलते हैं क्या? उनके बीच में भी मैग्नेटिक इंट्रैक्शन बना रखा हो क्या पता तुम लोगों ने? हैं? तो देखो भाई, सेकंड हमारे पास एक पुली का केस तो हम पढ़ चुके हैं अभी, दूसरा हम देखते हैं इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं तो उस टाइम पे क्या, ठीक है? ये है फोर्स एफ, ओके, ये फोर्स कितना है, एफ फोर्स है, ये एम वन मास, एम वन, एम टू, एम थ्री, तीन का ही ले लेते हैं, ठीक है, बाकी चार का तुम करना, फिर पांच का भी तुम करना। तो देखो एम वन, एम टू, एम थ्री, यहां पर जो टेंशन लगेगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जो खींच रही है वो कितनी है, टी वन, इधर जो इसको जो खींच रही है वो कितनी है, टी टू, ठीक है, टी टू, एम थ्री को तो इधर खींच रही है और एम टू को आगे वाली साइड, तीसरी क्या है यहां पर, ये एफ है ही, टी थ्री, ठीक है, टी थ्री उसको खींच रही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो टेंशन टी वन है, हमें कुछ भी फोर्स निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये सारी टेंशन है कहां कहां पर एक्ट हो रही है, और व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन। तो इस केस में देखो, जो रेल है, ट्रेन बोल लो, बस खुश रहो तुम, ट्रेन है, वो हर एक पॉइंट पर उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, सेम होता है। क्या ऐसा होता है कभी कि इंजन तो अपनी स्पीड को बढ़ा ले और डब्बा ये कहे मैं तो ना बढ़ाऊं, वो डब्बा उससे नाराज होके बैठ जाए, होता है कभी ऐसा? कभी भी नहीं होता है आई थिंक। तो इंजन की स्पीड अगर बढ़ रही है तो डब्बे की स्पीड भी बढ़ेगी, सारी चीजें आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जब ये सारी कनेक्टेड है तो ए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, इस केस में क्या रहेगा, ए यूनिफॉर्म रहेगा। अब ए यूनिफॉर्म रहेगा तो यहां से ए की वैल्यू निकाल दो। अब हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, फोर्स कितना लग रहा है इस पर, एफ, ए हमें निकालना है, तो टोटल मास करो, टोटल मास कितना है, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब हम निकालना चाहते हैं टेंशन, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और हर एक बॉक्स के लिए, हर एक डब्बे के लिए क्या होगा, ये एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बिकॉज द मोशन इज कनेक्टेड मोशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है जो, अब हमें निकालनी है टेंशन, तो टेंशन भी क्या होगी, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स ही तो है, क्या हो जाएगी, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट के लिए देखो कितनी आएगी, बोलो बोलो, टी वन इसको कहां पे खींच रहा है, मास इंटू में एक्सेलरेशन आएगी टेंशन फर्स्ट के लिए भी। तो देखो भाई, यहां से हमें क्या देखनी पड़ेगी, साथ साथ में डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो टी वन इसको टेंशन किधर लेके जा रहा है, इस तरफ, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी ट्रेन का कहां है, इसी तरफ है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो टी वन किसके बराबर आ गया, एम इंटू में ए के बराबर आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड बॉक्स के लिए फोर्स निकालो टोटल, टी टू इसको इधर खींचना चाहता है, टी वन इसको पीछे की तरफ खींचना चाहता है, टी टू माइनस टी वन, और हो जाएगा क्या, ये एम वन है ना, एम वन ए, एम टू ए, ठीक है, एम टू ए उधर जा रहा है और टी टू भी उसी डायरेक्शन में उसको खींचना चाहता है, तो ये हो जाएगा टी वन को उधर लेकर जाओ, एम टू ए माइनस एम वन ए, क्या आ जाएगा यहां से, एम टू माइनस एम वन, ए की वैल्यू रख दो, एफ अपॉन में वन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और ये यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, नालायकों इतना भी नहीं बताते, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो, एक जब अकेला डब्बा था, टी वन टेंशन थी, वो तो सिर्फ किस पर लग रही थी, फर्स्ट बॉक्स पर,
लेकिन T2 टेंशन जो स्ट्रिंग है वो दोनों बॉक्सेस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा ही रही है, ज्यादा नहीं तो, तो इस पर दोनों के मास का इफेक्ट पड़ गया। अब T3 जो टेंशन है उस पर तीनों के मास का इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो T3 क्या आ जाएगी आपके पास, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। अब तीनों A की वैल्यू रख दो यहां पर, M2 प्लस M3 F M1 प्लस M2 प्लस M3, ये दोनों कैंसिल आउट, T3 किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। ठीक है, तो T3 जो टेंशन है जिससे तीनों को खींच रहे हैं, अब वो वही तो फोर्स है जिससे जो अप्लाई किया जा रहा है इन बॉक्सेस को खींचने के लिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार हॉरिजॉन्टल का लिया था, अब वर्टिकल का ले लेते हैं। देखो भाई, ये है हमारे पास बॉक्सेस, ओके, टोटली किधर जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं विद एक्सीलरेशन जी, ओके, जी फोर्स है इसको, तो जो फोर्स, जो वेट इसको जो नीचे की तरफ खींच रहा है, जो फोर्स इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, वो हमें निकालना है एक तो, ठीक है, दूसरा हमें निकालना है टेंशन फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये इसका वजन है M1, इसका M2 और इसका M3, या फिर ऐसे कर लो M1 इसका है, M2 इसका और इसका M3, ओके, ये टेंशन T1, टेंशन T2 और ये है टेंशन T3। जो पूरा सिस्टम है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ है सिस्टम का, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है T1, T2 एंड T3, तो कर दो। देखो भाई, पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो T1 पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, A के बॉक्स के लिए काम कर रहा है T1, तो M1G पर। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से भी देख सकते हो, सिर्फ एक पर ही काम कर रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा T, लेकिन ये ऊपर की तरफ है और ये कहां पर है, M1G, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, कौन खींच रहा है इसको नीचे की तरफ, इसका वेट। ठीक है, वेट कहां खींच रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो क्या आ जाएगा T1 माइनस M1G बराबर M1 इंटू में A। ठीक है, आ जाएगा टोटल एक्सेलरेशन कितना है, A एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेंगे तो ये क्या हो गया, T1 किसके बराबर आ गया, M1G प्लस में A के बराबर आ गया, टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग T2। तो T2 के केस में दोनों मासेस को खींच रहा है ना, ये M1 को भी और M2 को भी, और T2 भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और T1 भी किधर एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहा है, तो दोनों अब की बार क्या हो जाएंगे, उस केस में डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफरेंस किया था हमने, इस केस में क्या करेंगे, एड करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो देखो भाई, T2 और T1, T2 जो लग रहा है वो किस पर लग रहा है, M2 और M1 दोनों पर लग रहा है, तो इसमें से आप माइनस कर दो M1G माइनस M2G, क्योंकि T2 तो ऊपर की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ और M2G भी नीचे की तरफ। ठीक है, टोटल एक्सीलरेशन इसके केस में कितना हो जाएगा, अगर आप टोटल फोर्स देखोगे किस फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 A हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ही वेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट को उधर लेकर जाओ, M1 प्लस M2G प्लस M1 प्लस M2 A। कुछ मैथमेटिक्स ध्यान आ रहा है, कॉमन फैक्टर है, तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, M1 प्लस M2 और A प्लस में जी। ठीक है, नेक्स्ट T3 की अगर बात करें आपसे, तो T3 क्या लग रहा है, कंप्लीट नीचे, T3 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 जी, ये कर दिया माइनस, क्योंकि तीनों का वेट कहां लग रहा है, नीचे,
और फिर भी ऊपर की तरफ किस एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू में ए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज। आप लोग कर सकते हो टी वन टी टू टी थ्री। जब भी टेंशन निकालना है तो सिर्फ ये देखना है कि किस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट और क्या फिर हमें अप्रोच लगानी है। आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, उसके बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपसे इसी में ये पूछ ले वो कि आप टेंशन बताओ, इसमें तो क्या कह दिया कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, अगर आपसे ये पूछ ले कि आप टेंशन बताओ जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। तो हर एक इक्वेशन में ए जीरो पुट कर दो, टी थ्री आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू में जी, टी टू आ जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू में जी, और टी वन आ जाएगा एम वन जी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अभी कोई डाउट है तो बता दो भाई, तुम कैसे बताओगे, और नालायक इतने हो कि वैसे भी नहीं पूछते डाउट्स, है ना। और मैडम डांट मार दे तो मैडम की वीडियो को फिर डिसलाइक करके चले जाना, सही है। डांट मार तो तुम स्कूल आओ, तुम्हारी हड्डियां ना तोड़े तो कहना, बहुत शैतान हो गए हो, पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी केस भी देख लिया, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तब भी देख लिया। ठीक है, अब आपको यही केस कब करना है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करे। ठीक है, उसमें आप लोगों को करना है। नेक्स्ट देखो, अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था उसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है चार बॉक्सेस हैं, चारों का मास क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर क्या लगेगी, टी वन, इधर भी इधर भी, ये टी टू का एरिया है, ये टी थ्री का एरिया है, और ये है टी फोर। ठीक है, अब आपको बताना है टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर किसके बराबर होंगे, एंड दिस कनेक्टेड मोशन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। निकाल दो सीधा सीधा, हमें एक्सेलरेशन ही पता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम प्लस एम प्लस एम और प्लस एम, क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में फोर एम एक्सेलरेशन आ गया। सबसे पहले कहां से निकालना शुरू करोगे, टी फोर से निकालोगे या टी वन से, टी वन से निकाल लेते हैं। ठीक है, टी वन सिर्फ इस बॉक्स पर लग रहा है, तो टी वन क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, मास इसका एम ही है तो एम इंटू में ए, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो, एम इंटू में एफ बाय फोर एम, एम से एम कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये जो यहां पर टेंशन है ये कितनी है, एफ बाय फोर, सिर्फ चौथा हिस्सा, ये और किसी के अटकले ही नहीं थी ये वाली स्ट्रिंग, इसको पता है मुझे सिर्फ मेरा मेरा डब्बा खींचना है। ठीक है, कई बार देखा होगा ना कि ऐसे डब्बों को चेंज कर देते हैं ट्रेन में, किसी को पीछे लेके जाते हैं, किसी को आगे कनेक्ट कर देते हैं, वो इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि जो उनकी बोगीज होती है ना, जो जिससे कनेक्टेड होती है, उन पर स्ट्रिंग का इफेक्ट देखते हैं, उन स्ट्रिंग को देखते हैं कि वो कितना जो टेंशन है, जो फोर्स है वो बियर कर सकती है। कई बार अगर वो स्ट्रिंग वीक हो गई है और रिपेयरिंग नहीं कर सकते तो उसको पीछे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसको थोड़ा ही फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस वाले डब्बे के लिए बताओ तो क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन बराबर एम ए, और अब की बार एम ए क्या आएगा, इन दोनों के लिए आएगा, एम प्लस एम और ए। ठीक है, तो अब टी वन को इधर लेकर जाओ, या फिर पहले इसी का कर लो, जब हमने टी वन कर ही दिया है तो इसको इधर कर लो, एम ए जा रहा है उसकी तरफ। ठीक है, अब टी टू बराबर एम ए माइनस एफ बाय फोर। ठीक है, लेकिन ये तो दो पर लग रहा है ना, एम और एम दोनों पर लग रहा है भाई, दोनों पर लग रहा है, तो यहां पर टू एम कर लो इसको, सीधा ही टू एम कर लो, निकालो यहां से टू एम इंटू एफ बाय फोर एम, क्या हो जाएगा यहां से, माइनस एफ बाय एफ बाय टू माइनस एफ बाय फोर, कितना आ जाएगा, टू माइनस एफ बाय फोर, एफ बाय फोर आ जाएगा। रुको रुको भाई, इस टाइम पे यहां पे टू नहीं आएगा, टू कैसे आएगा,
जब हमने सिर्फ इसी बॉक्स को ही कंसिडर किया है, सिर्फ इस बॉक्स को हम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो टेंशन है सिर्फ इस बॉक्स को देख रहे हैं, और हमने इसमें से ये माइनस कर दिया ना, इधर से ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा एम ए, ठीक है, तो करो यहाँ से टी टू बराबर टू एम ए, सॉरी एम ए माइनस एफ बाय ए फोर, क्या आ जाएगा यहां से एम ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, एम ए की वैल्यू पुट करनी है, करो वैल्यू पुट एफ बाय फोर, क्योंकि एम ए की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी, यहां पर एफ बाय फोर कितना आ जाएगा एफ बाय टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो टी थ्री के लिए क्या आ जाएगा, टी थ्री में से माइनस टी टू माइनस टी वन, और किसके बराबर आ गया एम ए के बराबर, या फिर आप माइनस टी टू ही कर दो, टी थ्री माइनस टी टू, क्योंकि इस बॉक्स पर, सिर्फ इस बॉक्स की बात करें तो ये वाला बॉक्स पर जो टी थ्री है वो तो किधर लग रहा है आगे की तरफ, और टी टू कहां लग रहा है पीछे की तरफ, तो क्या आ जाएगा यहां से टी थ्री बराबर एम ए माइनस में एफ बाय टू, ठीक है, एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ बाय फोर प्लस एफ बाय टू, कितना आ गया ये थ्री एफ बाय फोर। नेक्स्ट एफ फोर के, एफ टी फोर के लिए निकालो, तो टी फोर कितना आ जाएगा एम इन टू में ए, ठीक है, टी फोर माइनस टी थ्री, टी फोर माइनस टी थ्री किसके बराबर है एम इन टू में ए, तो यहां से कर दो टी फोर माइनस टी थ्री, टी फोर बराबर एम इन टू में ए प्लस थ्री एफ बाय फोर, एफ बाय फोर प्लस थ्री एफ बाय फोर कितना आ गया एफ, तो टी फोर किसके बराबर है एफ के बराबर है, ठीक है। तो आई थिंक कंप्लीट आप लोगों को अच्छे से ही जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट ढंग से समझ में आ गए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये तो था बेटा स्ट्रिंग का केस, कि अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर डब्बे स्ट्रिंग से कनेक्टेड ना होकर चिपके हुए होते तब क्या बताओ, तब क्या करते, एग्जाम में बैठ के भजन गाते जय सिया राम जय माता की है, तो सोचा करो ना कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड ना होते तो कैसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता तो, है। तो देखो भाई इन केस ऑफ कि अगर जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है, उस केस में क्या, ये M1 मान लेते हैं, M2 एंड M3, हियर यू आर अप्लाइंग ए फोर्स F, ठीक है, इस पर लगने वाला फोर्स मैं F1 मान लू, इस पर F2 और इस पर F3, जब आप इस पर F फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, तो क्या हो जाएगा F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू में A, A की वैल्यू क्या आ जाएगी F अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। अगर आप टोटल फोर्स ऑन M1 निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा फोर्स ऑन M1, तो यहां पर F1 फोर्स अगर आप निकालना चाहो तो किसके बराबर आएगा, किस किस पर लग रहा है ये M1 M2 एंड M3 पर, M1 प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू में ए, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री किसके बराबर आ गया एफ के बराबर आ गया आपके पास। इसी तरह अगर एम एफ टू निकालना चाहें अगर आप, तो वो किस पर लग रहा है दो फोर्सेस पर, एम वन की वजह से तो लग रहा है और दो फोर्सेस पर लग रहा है एम टू एंड एम थ्री पर, एम टू प्लस एम थ्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू में F, तो ये हो गया आपके पास फोर्स ऑन F2। अगर F3 के लिए बात कर ले तो F3 तो अकेला ही मास बच गया, F3 कितना हो जाएगा F3 बराबर M3 इनटू में A, A की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहां से, आपके पास इसके लिए भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एक में सिर्फ एक मास था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी पुलिंग हो रही है या पुशिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन में रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टेड मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट कल फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे।